मदन सिंह दैत जो है एक खतरनाक निशाचर था। उस समय जयमानंदा जय माँ भगवती। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है जयदीप रावत। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर सा गांव सुबाई भविष्यवद्री से। दिन के करीबन 2 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है और आज सुबह से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। लगातार सुबह 6 बजे से अभी भी कंटिन्यू बारिश लगातार लगी हुई है। अष्टमी मेले का चौथा दिन, तो कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि फुलारी कुबेर देवता के मंदिर से गांव के पंचायती मंदिर तक आ गए थे और वो वाला ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप लोगों को वो वाला ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके बाद जो आज का वहाँ से आगे का होगा, क्योंकि कल रात को उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं कर पाया और रात को पूरे गाँव वालों ने झुमेले नृत्य के साथ उसके बाद रात को देवता वगैरह अवतरित होकर के जो रात का प्रोग्राम था वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो अगर मौसम सही रहता तो अभी तक मेला प्रारंभ हो चुका रहता, क्योंकि बारिश हो रही है तो मेला थोड़ा लेट से शुरू होगा। थोड़ी देर में गांव की महिलाएं भी सारे मंदिर में पहुंच जाएंगी। गांव के जितने भी लोग हैं सब आपको मंदिर में दिखाई देंगे। मंदिर में तो ज़्यादा लोग पहुँचे नहीं हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं तो वो झुमेले नृत्य के साथ मेले को मतलब शुभारम्भ कर चुके हैं। तो फिलहाल 2-4 महिलाएं गांव की वो आ चुके हैं। आज 14 दिन है, थोड़ी देर में पूरे गांव वाले सारे मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे और सबसे पहले आज गांव के महिलाएं बुजुर्ग जितने भी लोग हैं वो झुमेले नृत्य के और गायन के साथ साथ उसके बाद माँ नंदा अवतरित होगी और माँ नंदा सभी भक्तों को अपना दर्शन देगी। और उसके बाद जो मेन जो मुख्य होता है मदन सिंह, तो मदन सिंह की कहानी मुझे तो ज़्यादा पता नहीं। अंदर चलते हैं, अंदर ताऊ जी हैं, ताऊ जी से पूछते हैं और ताऊ जी माँ नंदा और मदन सिंह के बारे में पूरे जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो अंदर चलते हैं फिलहाल। हमारा जो है नंदा अष्टमी का मेला चल रहा है और नंदा अष्टमी के मेले में जो है भगवती पैदा कर, मैंने एक छोटे सा उदाहरण दे दिया कि भगवती माँ वहाँ से पैदा हुई और उसके बाद जो है कि भगवती यहाँ जो है मदन सिंह दैत को मारने के लिए आती है। मदन सिंह दैत जो है एक खतरनाक निशाचर था। उस समय जब मतलब असुर और देवताओं का युद्ध हुआ तो उस समय जो है कि मतलब जब भगवती माँ ने उन लोगों को काटना शुरू कर दिया तो एक को काटा 10 हुए, 10 को काटा 1000 हुए। तो वहाँ पर भगवती माँ ने क्या किया कि कालिका अवतार धारण किया। कालिका अवतार धारण जब काली माँ ने किया तो उसके बाद मदन सिंह दैत को मारा गया। काली में जिन राक्षस थे वो सब अपने कटोरी में ले लिया। बाकी हमारा वहाँ का मेला का भी यही अर्थ है, वही हम लोग इस चीज़ में दिखाते हैं। भगवती माँ जब अवतार लेती है, मदन सिंह दैत को मारते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पर फूल प्रसाद बनता है। Thank you.
शाम के 5 बज चुके हैं और अभी अभी पुजारी और जो फुलारी थे वो नहा धो करके आ गए हैं। और सबसे पहले अभी अभी जस्ट मंदिर के अंदर माँ नंदा की आरती वगैरह हुई और देवता अवतरित के साथ अब फुलारियों की बारी है ब्रह्म कमल को मंदिर चौक में ला करके सभी जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी गांव के लोग हैं और जो बाहर से आए हैं उनको ये ब्रह्म कमल वितरण करना है और उसके बाद जो प्रसाद वगैरह बना है उसे वितरण करना है। तो इसी के साथ 4 दिवसीय जो नंदाष्टमी मेला था उसका समापन भी हो गया है। अगर आपको पूरे चारों के चारों पार्ट अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।